तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कार्तिक यादव केपीएम 2.0 पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ फैनकोड ओमान D20 लीग का 15वां मैच जो कि खेला जाएगा यहाँ पर अजाइबा एक्सा 11 मतलब अजाइबा एक्साई वर्सेज बॉशर बस्टर्स के बीच में। तो भाई इन दोनों ही टीम्स की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप कंप्लीटली वॉच कर लेना क्योंकि भाई फाइनल टीम और एक बात और भाई फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। क्योंकि देखो अभी मैं आपको फाइनल टीम नहीं दे पाऊंगा, जब दोनों टीम्स की लाइनअप्स वगैरह आउट हो जाएंगी तो उसके बाद मैं आपको फाइनल टीम दे दूंगा। यहां पर आप देख सकते हो मतलब जो अभी हमारा टेलीग्राम चैनल है वो आप यहां से देख सकते हो, 4K की फैमिली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और भाई अभी जो बिग बैश का मैच चल रहा है वो काफी अच्छा चल रहा है। और इसके अलावा बात करें तो भाई कल रात को जो कबड्डी में हमारी विनिंग हुई ना वो भाई सच में लाजवाब थी। इसके अलावा भाई जो कल रात को ओमान T20 का मैच खेला गया था भाई बिल्कुल अल्ट्रा क्लीन स्वीप जैकपॉट मैच गया था, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो कल बिग बैश के दो मैच थे, दोनों के दोनों अल्ट्रा क्लीन स्वीप गए थे। यहां पर आप देख सकते हो कल जो ओमान का लास्ट T20 मैच खेला गया था उसमें भाई कुछ इस प्रकार की हमारी टीम थी और जैकपॉट रिजल्ट वो हमारा रहा था, ठीक है। और इसीलिए बोल रहा हूं भाई टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पर टीम मिलेगी। और यहां पर चलिए बात कर लेते थोड़े बहुत स्टेट्स की। तो बात करें डेट एंड टाइमिंग की तो आज शाम को 5:30 पर मैच खेला जाएगा यानी कि अब से लगभग 2 घंटे बाद। वेन्यू की बात करें तो भाई अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड ओमान में मैच होने वाला है। पिच की बात करें तो भाई न्यूट्रल रहेगी, बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए इक्वली हेल्प होने वाली है। बात करें एवरेज स्कोर की तो आप यहां से देख सकते हो 150 से 160 का रहने वाला है। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर आपकी टीम का बेस डिपेंड करेगा कि आपको किस प्रकार की टीम यहां से बनानी है, ये भाई आपको यहां पर इन रिकॉर्ड से पता चलेगी। तो अगर बात करें देखो जो लास्ट 6 महीने में यहाँ पर मैच खेले गए हैं उनका ऊपर मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड निकाल रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 36 मैच खेले गए टोटल T20 के, ठीक है। इसमें डोमेस्टिक भी आ गए भाई और इंटरनेशनल भी आ गए, ठीक है। और बात करें अगर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम की तो 14 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विनिंग की और 21 बार भाई बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम ने विनिंग की। और 210 का भाई हाइएस्ट स्कोर रहा कुवैत का, ठीक है। ये इतना हमारे लिए मैटर करता नहीं है तो इस चीज़ को आप थोड़ा इग्नोर करो, बस आप इस चीज़ पर फोकस करो कि कौन सी टीम ने कितनी बार विनिंग की है। इस सीजन की बात करें तो भाई 14 मैच कंप्लीट हो चुके, 15वां एक खेला जाएगा, ठीक है। और 14 मैच में से भाई यहां पर 5 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया और 9 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने विन किया, यानी कि भाई 4 मैच ज्यादा ऑलमोस्ट आप डबल मान सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट डबल मैचेस यहां पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने विनिंग कर रखी है। तो आपको और जो भाई फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने विनिंग की है ना, इनमें से 5 मैच में से 3 तो बिल्कुल ऐसे क्लोज कॉन्टेस्ट थे कि वो सेकंड बैटिंग करने वाले ही विन करने वाले थे। बट भाई क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा सा उलटफेर हो गया उन मैचेस में। तो बट फिर भी आप देखोगे तो भाई काफी हद तक सेकंड इनिंग में जो टीम खेलती है उसको पिच फेवर कर रही है। तो जो सेकंड इनिंग में जो भी टीम बैटिंग करेगी ना उसके भाई टॉप ऑर्डर आपके पास पूरा होना चाहिए, यानी कि कम से कम टॉप के 3 बैट्समैन और अगर चौथे नंबर पर या फिर टॉप 3 में कोई ऑलराउंडर हो जो बॉलिंग भी कर रहा हो तो भाई टॉप 4 या टॉप 5 को आप पकड़ के चल सकते हो, ठीक है, इजिली सेकंड बैटिंग में टीम मतलब सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम के जो प्लेयर में आपको बता रहा हूं। साथ ही साथ सेकंड बैटिंग में जो भी टीम मतलब सेकंड इनिंग में जो भी टीम बैटिंग करेगी उसके डेथ ओवर्स के गेंदबाज जो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेंगे वो आपके पास होने चाहिए। तो इसीलिए बोल रहा हूं फाइनल टीम आपको टॉस के बाद प्लेइंग 11 आने के बाद मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। यहां से आप देख सकते हो केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट हमारे चैनल का नाम है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर बाई चांस लिंक वर्क ना करे तो आप ये सीधा सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, बट ज्वाइन आपको जरूर कर लेना है। अजाइबा एक्साई की अगर बात करें यहां पर प्लेइंग मतलब जो प्लेइंग 11 तो क्या भाई जो लास्ट मतलब जो इनके प्लेयर्स के ओवरऑल स्टेट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से अगर बात करें मोहम्मद असगर साफी शेख की तो आप देख सकते हो 22 मैच में 227 रन है। अकमल शहजाद की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 24 मैच में 352 रन है, विकेट कीपिंग सेक्शन मिलेगा। अरसलन बासिर की बात करें तो आप ऐसे देख सकते हो 8 मैच में 317 रन है। वसीम अख्तर की बात करें तो 22 मैच में 6 विकेट और 208 रन बना रखे हैं। राव वकार अहमद की बात करें तो 5 मैच में 1 विकेट और 60 रन बना रखे। खालिद रशीद की बात करें तो 21 मैच में 19 विकेट है। इमरान मोहम्मद की बात करें तो 21 मैच में 17 विकेट निकाल चुका है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर उस्मान हैदर की, एक मिनट भाई यहाँ से अगर बात करें उस्मान हैदर की तो 15 मैच में 321 रन प्लस 5 विकेट। जासिम इलाही नासिर अली की बात करें तो 10 मैच में 8 विकेट निकाल चुका है। 11 मैच में भाई सिर्फ 62 रन बनाया जिमरान यूसुफ ने। अहमद मिर्जा की बात करें तो 21 मैच में 318 रन बना चुका है। बात करें अगर बॉशर बस्टर्स की तो आप देख सकते हो जो अब्दुल रौफ है ये भाई इसके लास्ट सीजन के सभी के लास्ट सीजन के रिकॉर्ड
बोर्ड से, ठीक है। लेकिन भाई अगर बात करें यहाँ पर अब्दुल रौफ की, तो ये भाई इसी सीजन में नया प्लेयर ऐड हुआ है और भाई 3 मैच में से 2 में ये 50 लगा चुका है, तो बेहतरीन प्लेयर होने वाला। लास्ट मैच में शायद 74 या 78 रन बनाए इसने, वो भी शायद नॉट आउट रह के बनाए, और ओपनिंग कर रहा है, ओपनिंग या फिर वन डाउन खेल रहा है, बेहतरीन प्लेयर आपके लिए होने वाला है, ठीक है। बात करें अगर यहाँ पर पृथ्वी मच्छी की, तो एक बेहतरीन प्लेयर ये भी आपके लिए होने वाला है, इसको आप ट्राई कर सकते हो, एज ए CVC लेके जा सकते हो। ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग में ट्राई मत करना। अजय लाल चट्टा की बात करें तो बेहतरीन प्लेयर है स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों के लिए, CVC बेस्ट रहेगा। 24 मैच में 30 विकेट और 348 रन है। बात करें अगर यहाँ पर अदनान सुलेरी की, तो 18 मैच में 305 रन बना चुका है। महमूद सूफियान की बात करें तो 25 मैच में 610 रन बनाए और भाई 18 विकेट निकाले हैं। इसके अलावा बात करें तो आसिफ खान की, यहाँ पर आप देख सकते हो 28 मैच में 21 विकेट निकाले, 500 रन बना रखे। फवाद अली की बात करें तो भाई 17 मैच में 14 विकेट निकाल चुका है। इसके अलावा अहमद इरफाक की बात करें तो 8 मैच में 176 रन बना रखे, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। बिलाल शाह की बात करें तो टीम का सबसे इंपॉर्टेंट गेंदबाज है, 27 मैच में भाई 38 विकेट निकाल चुका है, 100% आपकी टीम में होना चाहिए। अब भाई एक बार बात कर लेते हैं इन दोनों ही टीम्स के लास्ट मैच की क्या परफॉर्मेंस रही है, वो भी एक बार मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। तो यहाँ से भाई अगर बात करें बॉब बस्टर्स की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये भाई अपना लास्ट मैच हार के आ रहे हैं एमिरेट्स रॉयल्स के अगेंस्ट में। अब्दुल रौफ की बात करें, देखो मैंने आपको वहाँ से दिखाया 78 रन बनाए भाई लास्ट मैच में, इससे पहले एक मैच में और 50 लगा चुका है, 3 मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस है। पृथ्वी मच्छी की बात करें तो देखो टीम का कैप्टन है, ओपनिंग कर रहा है, बेहतरीन प्लेयर आपके लिए होने वाला है, ट्राई कर सकते हो, एज ए CVC लेके जा सकते हो। लाल चट्टा की बात करें तो 0 रन बनाए, बेहतरीन प्लेयर, हालांकि इस मैच में फ्लॉप हो गया। अदनान सुलेरी की बात करें तो 40 रन बनाए, एक और भी अच्छा प्लेयर है, 20 बॉल पर 40 रन, बेहतरीन पिक है। सुफियान महमूद की बात करें तो 8 बॉल पर 3 रन बनाए, ठीक ठाक प्लेयर, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। आसिफ खान ने यहाँ पर भाई 22 रन बनाए। बात करें अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो नीचे चलते हैं, यहाँ पर बॉलिंग देख लेते हैं एक बार। यहाँ से फवाद अली ने भाई यहाँ पर 2 ओवर डाले, 27 रन दिए। बात करें अजय लाल चट्टाई, तो 4 ओवर में 1 मेडिन ओवर डाल के 1 विकेट निकाल के ले गया। मेहंदी हसन भाई 2 ओवर में विकेट लेस रहा है। बिलाल शाह, यहाँ जब मैंने आपको बताया कि टीम का मेन गेंदबाज है, 2 विकेट निकाल के ले गया। सुफियान महमूद ने भी 1 विकेट निकाला और शहबाज शाह ने भी यहाँ से 1 विकेट निकाल रखा है। इसके अगर बात करें ऊपर चल के अजाइबा XI की टीम की, तो भाई ये भी अपना लास्ट मैच हार के आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से भाई एक बार अगर बात करें, देखो मोहम्मद असगर साफी शेख की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओपनिंग कर रहा है, बेहतरीन प्लेयर, ट्राई कर सकते हो। अकमल शहजाद की बात करें तो बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन है, आपकी टीम में जरूर होना चाहिए। अरसलन बाशिर की बात करें तो 58 रन बनाए, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वासिम अख्तर, टॉप 4 आपकी टीम में होने ही होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर देखो यहाँ से बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो बॉलिंग भी मैं आपको एक बार यहाँ से दिखा देता हूँ। इमरान मोहम्मद भाई बेहतरीन यहाँ पर ऑलराउंडर है, हालांकि इस मैच में विकेट लेस गए, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से एक होने वाला, इसे इजीली अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करें अगर यहाँ से देखो वासिम अख्तर की, तो 4 ओवर में विकेट लेस रहा, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन भाई विकेट लेस रहा। खालिद रशीद की बात करें तो भाई 4 ओवर में 1 विकेट निकाला इसने। इसके अलावा भाई जसीम इलाही नसीर अली की बात करें तो 2 ओवर में विकेट लेस रहा, उस्मान हैदर भी विकेट लेस रहा, राव वकार अहमद ने भाई यहाँ पर 1 विकेट निकाला है। लेकिन भाई आपको ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर अगर मैं मार्क करके बताऊँ, तो इमरान मोहम्मद, वसीम अख्तर, खालिद रशीद, इसके अलावा भाई उस्मान हैदर, ये 4 आपके लिए बेहतरीन पिक होने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं ड्रीम 11 की, डेमो टीम की। लेकिन मैं अगेन मेरे भाई आपको याद दिला दूं, यहां पर सिर्फ आपको एक डेमो टीम मिलने वाली है। फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। विकेट कीपिंग सेक्शन में दोनों के दोनों प्लेयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ने 77 बनाए लास्ट मैच में, एक ने 78। यहां से अगर बात करें तो यहां पर अरसलन बासिर आपकी टीम में होना चाहिए, खालिद रशीद आपकी टीम में होना चाहिए। इसके अलावा नीचे की साइड अगर आप आओगे तो ए सुलेरी आपकी टीम में जरूर होना चाहिए। ऊपर से अगर आप चाहो तो यहां पर एच मिर्जा को आप ट्राई कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। बाकी मैं अभी आपको सजेशन देने नहीं वाला कि आप इसको ट्राई करो। अजय लाल चट्टा, यहाँ से सुफियान महमूद दोनों इंपॉर्टेंट है, वकास अख्तर को आप ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहो तो आप यहाँ से पृथ्वी मच्छी को, इनको ग्रैंड लीग में आप जरूर ट्राई कर लेना, एज ए CVC लेके जा सकते हो ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग में आप चाहो तो एज ए प्लेयर आप इसे लेके रिस्क ले सकते हो। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो ऐसे बिलाल शाह, फवाद अली दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा भाई जसीम इलाही नासिर अली को आप ट्राई कर सकते हो और इमरान मोहम्मद को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेरे को कोई और इंपॉर्टेंट यहाँ से दिख नहीं रहा। तो बात करें अगर कैप्टन वॉइस कैप्टन की, तो देखो अगर आपको ग्रैंड लीग खेलने, तो भाई आप इन दोनों को CVC लेके जा सकते हो। अदरवाइज भाई अजय लाल चट्टा आपकी टीम का कैप्टन रहेगा। और वॉइस कैप्टन की बात करें तो भाई आप या से ए सुलेरी के साथ जा सकते हो, खालिद रशीद के साथ जा सकते हो, अरसलन बासिर के साथ जा सकते हो, या फिर सबसे सेफ जाने भाई आप या से एस सुफियान महमूद के साथ जा सकते हो। बाकी अभी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सुफियान महमूद के साथ, मतलब सुफियान महमूद को वॉइस कैप्टन बना के टीम अपनी सेव करके रखो। बाकी फाइनल टीम की अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल
पर आपको देने ही वाला हूँ। ये सिर्फ आपके लिए एक डेमो टीम है जिससे आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सको। फाइनल टीम के लिए भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे टेलीग्राम चैनल पर मैच टाइम पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।